अंचलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों का कहना था कि सरजामदा में जो उनके पूर्वजों के समय से शमशान घाट है, उस शमशान घाट में 20 टोला के ग्रामीण आकर अपने परिजनों का संस्कार करते हैं, शवों को दफनाते हैं, पर वर्तमान में उस शमशान घाट में भू माफियाओं की नजर गड़ा रखी है। ऐसे में कभी भी भू माफियाओं द्वारा शमशान की भूमि को कब्जा की जा सकती है, जिसका डर ग्रामीणों को सता रहा है। उन्होंने अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि जल्द से जल्द शमशान भूमि का सीमांकन किया जाए ताकि ग्रामीणों के शमशान भूमि सुरक्षित रह सके। वही जानकारी देते हुए सरजामदा ग्राम सभा के मांझी बाबा ने बताया कि अंचलाधिकारी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा गया है ताकि भू माफिया अपने मंसूबे पर कामयाब ना हो सके। मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्त, महिला नेत्री बाली मारांडी, सूरज मुंडा, बुडुन मुर्मू, रतन हादसा, राम टुडू, लाल मोहन हासदा, डुमका मांझी, गणेश हासदा, सनी हासदा, धीरेन टुडू, कारू मांझी, मांझी बाबा, लाल मोहन सोरेन आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। मामला ये है कि हम लोग बरसों से पूर्वज लोग से हम लोग वहाँ शमशान घाट है, वहाँ शमशान घाट सरकार के द्वारा भी उसमें चिन्हित करके बोर्ड गाड़ा गया है और जो जमीन दलाल लोग उसका वो जो बोर्ड गाड़ा हुआ वो भी फेंक दिया है और वहाँ भी जमीन को बेचने का ये काम कर रहा है। इसीलिए हम सीओ साहब से हम लोग एक ज्ञापन देने आए हैं कि उसको चिन्हित करके हम लोग को दिया जाए ताकि हम लोग बाउंड्री वॉल करके जमीन को सुरक्षित रखा जाए। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।